प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो लाखों परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति भी दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हमारा देश इस समय कोरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है। आप सब जानते हैं, लाखों की संख्या में हमारे परिजन कोरोना से रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। ये संकट सभी देशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़, एक दूसरे का सहारा भी बनना है और एक दूसरे की ताकत। सोचें, ये हर एक परिवार के खाते में संकट खत्म होने तक 6,000 रुपए डालें। देश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए, दवाएं, ऑक्सीजन और अस्पतालों के युद्ध स्तर पर प्रबंध किया जाए। सारे देशवासियों के लिए कोरोना से बचाव के मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम हो, ताकि लोगों को बचाया जा सके। कोरोना वैक्सीन की कंपल्सरी यानी अनिवार्य लाइसेंस दिए जाए, ताकि थोड़े समय में सबको वैक्सीन मिले। वैक्सीन की कीमत का भेदभाव बंद हो, जीवन रक्षक दवाइयों की काला बाजार बंद हो, सारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को अस्पतालों को देने का फौरन इंतजाम हो, देश के सभी राजनीतिक दलों की सहमति से राष्ट्रीय स्तर पर कोविड से निपटने की रणनीति बनाई जाए। इस अवसर पर मैं कोविड से लड़ रहे सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एंड हेल्थ वर्कर्स को नमन करती हूँ, जो अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथियों, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि इस संकट से पार पाने के लिए एक जुटना ही सबसे बड़ा मंत्र है। हमारे देश ने इससे पहले भी बड़े बड़े संकटों का सफलतापूर्वक सामना एकजुट होकर किया है। कांग्रेस पार्टी देश को कोविड संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले हर जरूरी कदम में साथ देगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोरोना संकट की गंभीरता को समझते हुए एक नागरिक के रूप में अपना भरपूर योगदान देंगे। आशा करती हूँ कि हम सब की कोशिशों से देश
इस संकट से पार पाने में जल्दी ही सफल होगा। जय हिंद।